नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आज हमारी ये मॉड्यूल अरिथमेटिक पर तीसरी क्लास है जिसमें हम चार क्वेश्चंस करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2^192 इज डिवाइडेड बाई 6, ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 से लिया गया है। और बाकी तीन क्वेश्चन देखने में थोड़े आपको बड़े या टफ लग सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को सेकंड्स और मिनट में सॉल्व किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और शुरू करते हैं अपनी आज की बात। और कहना मुझे आपसे सिर्फ ये है कि मैथमेटिक्स की ये विधा मॉड्यूलर अरिथमेटिक बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, और ये आपको अगर आप नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, बस आपको गुणा और भाग ज़रूर आना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 74 फ्रॉम सेट ए ऑफ सिविल सर्विसेज CSAT 2023। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2^192 इज डिवाइडेड बाई 6। ये एक बहुत सवाल, बहुत 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 सरल सवाल है, और इस सवाल को सेकेंड्स का सवाल है, क्योंकि हमको एक प्रॉपर्टी पता है। वो प्रॉपर्टी ये है कि वेन एवर 4 और 4 की जो भी पावर है, जब इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर इज ऑलवेज 4। सिंपल, यानी मैं कहना चाह रहा हूं 4 = 4 mod 6। सिंपल एस्टेब्लिश कर देते हैं इस वाली चीज को। तो ऑब्वियसली 4² = 16 mod 6, बट इट इज इमीडिएटली 6 × 12, यानी कि 4 mod 6। करेक्ट, 4³ देख लेते हैं। सो 4³ इज, यानी कि हमने इसकी और इसकी गुणा की, इट इज 4 × 16 mod 6, मींस वंस अगेन 4 mod 6। करेक्ट, हेंस 2^192 = 4^96 = 4 mod 6, मींस 4^96 या 2^192 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा, तो 4 इज द आंसर। ओके, सिंपल। सो दैट वाज द क्वेश्चन, एंड ऑब्वियसली द आंसर इज डी। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10^3 + 9^3 = 743 इज डिवाइडेड बाय 1728। सबसे आसान तरीका यह है कि इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो इट इज 1000, एंड 9 * 81 और 81 × 9, सो 9 * 9 = 72, सो इट इज 1729। तो हमको निकालना है ये 1729, इसको डिवाइड कराना है हमको 1728 से, सो मॉड 1728, एंड ऑब्वियसली दिस इज 1। 1729 को जब 1728 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा। अब 1729 पर आप पावर चढ़ा दीजिए 743 = 1^743 mod 1728, एंड ऑफ कोर्स इट इज 1 mod 1728, सो 1 इज द रिमाइंडर व्हेन 10^3 + 9^3 = 4^743 इज डिविजिबल बाय 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने कर भी रखा है आपके लिए, टाइप कर रखा है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4^11 इज डिवाइडेड बाय 11। अब मैं जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली 4 की पावर सोच रहा हूँ, तो 4 × 16 = 64 × 256 × 4 = 1024। अब 1024 पर मैं अटकता हूँ, मतलब मैंने 4^5 = 1024 बोला। हम सब अपनी PCSIS की तैयारी में कंप्यूटर्स को पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स की तैयारी करते हैं, हमको मालूम है कि 2^10 = 1024 होता है। ओके, सो लेट अस सी कि जब हम 1024 को 11 से भाग करते हैं तो हमको क्या रिमाइंडर मिलता है। सो 11 * 99 = 3 = 34 = 11 = 33 और 1 हमारा शेष बचा, तो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। 4^5 = 1 mod 11, हैंस 4^5 = 2, मीन्स 4^10 = 1^2। आपने इधर पावर 2 चढ़ाई तो यहाँ, यानी कि इस पे पावर 2 चढ़ाई तो यहाँ भी पावर 2 चढ़ेगी, बट 1² = 1 अगेन,
सो मॉड 11 एंड 4 इज इक्वल टू 4 मॉड 11, इन दोनों को गुणा कर दिया, सो 4 रेस टू पावर 11 इक्वल टू 4 मॉड 11, अर्थात जब हम 4 की घात 4 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा दैट शेल बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर सक्सेसिवली बाय 3, 4 एंड 7 द रिमाइंडर्स आर 2, 1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 84 देन द रिमाइंडर इज दिस दिस दिस. और ये कैट 2002 का सवाल है, इसमें बेसिक कंसेप्ट लगा हुआ है. What is the meaning of dividing successively a number by 3, 4, 7? Okay, तो मैं आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझाता हूँ एक उदाहरण के जरिए और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं. ओके, तो सबसे पहले what is successive division? तो मैंने आपके सामने लिखा भी है कि if a quotient of the dividend is taken and this is used as the dividend in the next division, such division is called successive division. तो मैं इसको करके दिखाता हूँ. सपोज मेरे सामने एक संख्या है 1293 और मुझे इसे सक्सेसिवली डिवाइड करना है बाय 4, 7, 11. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले 4, सो इट इज 4 तिया 12, 4 दुनी 8, 4 तिया 12 और 1 शेष. अब ये जो क्वोशेंट है ये डिविडेंड हो जाएगा अगले डिवीजन में और अब हम डिवाइड करेंगे 7 से. तो 7 चौक 28, 4 43, 7 छंग 42, 1 इज द रिमाइंडर. अब ये जो 46 है ऑब्वियसली ये क्वोशेंट है तो अब इसको हम डिविडेंड बना देंगे और अब हम डिवाइड करेंगे 11 से. तो 11 चौक 44, 2 रिमाइंडर. करेक्ट, आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर. अब अगर मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग लगाकर मुझे नंबर लाना हो कि अल्टीमेटली वो कौन सा नंबर था जिसने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हमको डिवाइजर 11, डिविडेंड 46, क्वोशेंट 4, रिमाइंडर 2 दिया हमको तीन सक्सेसिव डिवीजन पर, जबकि रिमाइंडर्स जो थे वो 1 एंड 1 थे पिछले दो सक्सेसिव डिवीजन पर. तो हम यहाँ से शुरू करेंगे. तो यहाँ से अगर मैं इस नंबर को लिखूँ तो ऑब्वियसली इट इज़ 11 इंटू 4 प्लस 2, करेक्ट. नाउ दिस नंबर 11 इंटू 4 प्लस 2 अर्थात 46 ये यहाँ पर है हमारे पास, मतलब इस सेकंड डिवीजन का हमारा क्वोशेंट है और ये जो डिविडेंड है ये हमको मिलेगा 44 प्लस 2 को हम इस बार 7 से गुणा करेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे, ये वाला रिमाइंडर. ओके, सो इट इज 7 गुणा 46 प्लस 1, करेक्ट. और नेक्स्ट टाइम इसको हम 4 से गुणा करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे, सो फाइनली दिस इज 4 गुणा 7 गुणा 46 इज 7 छंग 42, 7 चौक 28 और 4 32 प्लस 1 तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, सो इट इज 4 गुणा 323 प्लस 1, तो 4 तिया 12, 4 दुनी 8 और 1 9, 4 तिया 12 प्लस 1 इक्वल टू 1293 जो हमारा ओरिजिनल नंबर था. सो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर. और अब मैं अपने इस क्वेश्चन पे आता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और इसी तरह से करेंगे जिस तरीके से मैंने भी आपको समझाया है. ओके, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं. सो सबसे पहले मैं उठाऊंगा लास्ट वाला डिवाइजर और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर है वो है 4. माना जो क्वोशेंट है इसके और इसके सापेक्ष, माना वो क्वोशेंट पी है, then the number is obviously 7p plus 4, correct. अब हम आ जाते हैं इस वाले डिवाइजर पे और इस वाले रिमाइंडर पे.
सो नंबर इज 7p प्लस 4। तो जब हम सेकंड डिवीजन पे जाएंगे यानी कि बीच वाले डिवीजन पे जाएंगे, सो इट शैल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 और रिमाइंडर है हमारे पास 1, सो इट इज 28p और 4 चौक 16 और 1 17। अब हम जाएंगे इस पर, अब मैं इसको 28p प्लस 17 को 3 से गुणा करूंगा, इस वाले 3 से, और ये मैं इसमें ये 2 जोड़ दूंगा। सो 28 तिया 84p प्लस 17 तिया 51 और 2 53, करेक्ट। अब जब ये नंबर, ये वाला नंबर जब 84 से डिवाइड किया जाएगा तो ऑब्वियसली 84p से 84 ये p का p बचेगा प्लस 53, तो 53 इज द आंसर। कैसे? अब आप p बराबर 1 ले लीजिए, सो इट इज 84 एंड 53, 4 और 3 7, 8 और 5 13। जब आप 137 को 84 से डिवाइड करेंगे तो 84 एकम 84, 7 में से 4 गया 3 और 13 में से 8 गया 5, 53 शेष बच गया। ओके, और सपोज p बराबर 2, तो p बराबर 2 लेने पर 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 और इसमें 53 जोड़ दीजिए आप, तो 8 और 3 11, 7 और 5 12, 2। अब आप 221 को 84 से डिवाइड कीजिए, सो इट इज 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 11 में से 8 गया 3 और ये 5। पॉइंट इज वेरी क्लियर, ठीक। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू इट नाउ इजीली। अगली क्लासेस में मैं इस तरह के क्वेश्चंस और लेने की कोशिश करूंगा। ओके अच्छा, क्लास खत्म करने से पहले मैं इसको जनरलाइज ही कर देता हूँ कि अगर मैं 84p प्लस 53 को, 84p प्लस 53 को अगर मैं 84 से डिवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली इट कैन बी रिटन एज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कैंसिल हुआ, 53 इज द रिमाइंडर, करेक्ट। जैसे आपने यहां देखा कि जब मैंने 2 से गुणा करा था, यहां मैंने 2 से गुणा किया था 84 को, तो ऑब्वियसली यहां पर मेरे पास क्वेश्चन भी तो आया था, तो यहां पर हम 84 को p से गुणा कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन p आया है एंड दिस इज ऑब्वियसली द रिमाइंडर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। इस क्लास में 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज CSAT 2023 में आया है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक पर क्लास जारी रहेगी और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली क्लास में फिर से 5-6 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।